मैं दावा दे सकता हूं अगर आपके पास नंबर है ढूंढिए कटरीना कैफ से मिलिए आप उनको चार रसगुल्ले खिला दीजिए मैं मान जाऊंगा आपको शी विल नॉट इट यू पे हर वन करोड़ रुपीज मुंबई की फिल्म सिटी में जहां शूटिंग चलती है जहां दुनिया में लोग फिल्म स्टार शूटिंग करते हैं आउटडोर शूटिंग हो रही है तीन तीन महीने के लिए सारा घर देखना नसीब नहीं है कड़कती हुई सर्दी में वो हीरोइन साला शेफोन साड़ी माइनस टेन डिग्री टेम्परेचर पे पहन के शूट कर रही है बिकॉज ऐसी शानदार गालियां आपको देख के लग रहा है इसने मां की गाली बहुत देर से नहीं दी देते तो मजा आ जाए क्या कंटेंट है उस पर जिसमें प्योर देसी भाषा में मां की बहन की गालियां हो रही हैं इस दुनिया में सुबोध जी हर आदमी स्वर्ग चाहता है हाँ या ना yes. सर चाहते हैं सुबोध जी भी चाहते हैं मैं भी चाहता हूं आप लोग भी चाहते होंगे अगर कोई आदमी बोले सर बोले कि मैं स्वर्ग चाहता हूं और मैं उनको बोलूं कि ये जहर है सर लो टिकट पक्की है तो क्या ये पिएंगे तो जवाब है नहीं, नहीं। हां ना? ना। कोई नहीं पिएगा ना यार अच्छा जहर पीना नहीं है तो मरोगे नहीं और मरोगे नहीं तो स्वर्ग प्रॉब्लम यही चाहे कि स्वर्ग सबको चाहिए मरना कोई नहीं चाहता तो वट यू नीड इज सेक्रीफाइस मैं आपको बता दूं साइनिया नेहवाल जब पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीती आप जानते हैं उसने घर में आके क्या किया साइना नेहवाल जिस दिन पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीती बैडमिंटन खेलती हैं ओलंपिक में उनको पदक मिला उनको अवार्ड मिला सबसे पहले घर आके क्या किया उन्होंने सबसे पहले घर आके पिज्जा ऑर्डर किया बिकॉज उस लड़की ने पिछले छ साल से पिज्ज़ा नहीं खाई थी क्योंकि उसको पता था कि मेरे प्रोफेशन के लिए ये हानिकारक है बिंदास पिज्जा खाई छे साल सेक्रीफाइस किया मैं दावा दे सकता हूं अगर आपके पास नंबर है ढूंढिए कटरीना कैफ से मिलिए आप उनको चार रसगुल्ले खिला दीजिए मैं मान जाऊंगा आपको शी विल नॉट इट यू पे हर वन करोड़ रुपीज सिविल इट आप उसको एक करोड़ रुपए देके बोलिए चार रसगुल्ले खा लो शी विल नॉट सिविल इट बिकॉज वो जिस प्रोफेशन में है, उसको पता है ये मेरे लिए हानिकारक है और इस दुनिया में सबसे मुश्किल सेक्रीफाइस है जीव का सेक्रीफाइस स्वाद त्याग देना जितने भी सेलिब्रिटीज आप बड़े बड़े देखते हैं पर्दों के ऊपर सुप्रीम सेक्रीफाइस है लेडीज एंड जेंटलमैन उनका सबसे बड़ा कंट्रोल है खाने के ऊपर नपातुला खाना उबला खाना हम तो साला भी लंच हो बस. आने दे आज, आज, है? Because, because उनका प्रोफेशन उनसे ये डिमांड करता है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस योर डाइट कम ऑन Are you with me? मेरी बात समझ में आ रही है आपको yes, तो आपको क्या करना है सुप्रीम सेक्रीफाइस अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं कटरीना कैफ विल नेवर रीड फॉर रसगुलास यू पे हर वन करोड़ रुपए रिफ्यूज उसको पता है कि ये खाने से प्रॉब्लम होगा मेरा जो करियर है ना वो मुझे इसकी इजाजत नहीं, नहीं देता तो जितने भी लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सर बिना सेक्रीफाइस के आप आगे नहीं बढ़ सकते चार फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं आई एम शोइंग यू फोर फोटोग्राफ नंबर वन है सचिन तेंदुलकर की ये वो उस इनिंग की तस्वीर है जो उनके पिता के देहांत के बाद उन्होंने अगले दिन खेली ये वर्ल्ड कप की तस्वीर है जब उनके पिता गुजर गए और उसके दो दिन के बाद वो मैदान में एक मार गए कीनिया के खिलाफ सिर्फ दो दिन पहले पिता की डेथ हुई जस्ट टू डेज बैक यहां तो साला जुकाम आ जाए तो प्लान दिखाने नहीं जाते जाता बुरा मत मानिएगा मेरी बात हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है प्लान कल कर लें और ये आदमी करोड़पति बनने आया है सिर्फ जुकाम रोक रहा है इसको खुदा ना खासा कुछ लंबा कांड हो जाए ये तो साला कंपनी छोड़ भागेगा सिर्फ सिंपल सा जुकाम है इसको कल करेंगे प्लान आज थोड़ा तबीयत जिसका फादर गुजर गया वो दो दिन के बाद

इसका जबड़ा टूटा है और एक गेंदबाजी कर रहा है विराट कोहली अपने बाप की साला बॉडी को छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है बॉडी घर में पड़ी है पिता की बॉडी पार्थिव शरीर घर में है और द सेम टाइम विराट कोहली इज बैटिंग इन दिल्ली रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट कर्नाटका इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस ये आदमी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं युवराज सिंह कैंसर में साला खेल रहा है वर्ल्ड कप इसको कैंसर है डायग्नोज है पता है इसको इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस आज आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं शोहरत है इनकी नाम है दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं दर्जनों उदाहरण जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं वो करोड़पति बनना चाहते हैं वो लखपति बनना चाहते हैं वो गाड़ी लेना चाहते हैं मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तू खोना क्या चाहता है क्या खोने के लिए तैयार बैठा है तू मुझे बता मैं तुझे बताऊंगा तुझे मिलेगा क्या बिना खोए कुछ मिलता नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।, है क्या सेक्रीफाइस करना है वो कहता है मैं गाड़ी लूंगा मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस क्या करेगा इंडियन क्रिकेट टीम के प्ले, प्लेयर्स कभी कभी चार चार महीने परिवार से दूर हैं चार महीने तक बीवी को नहीं देखा बच्चे को नहीं देखा मां बाप को नहीं देखा कहां खेल रहे हैं देश के लिए खेल रहे हैं मुंबई की फिल्म सिटी में जहां शूटिंग चलती है जहां दुनिया में लोग फिल्म स्टार शूटिंग करते हैं आउटडोर शूटिंग हो रही है तीन तीन महीने के लिए साला घर देखना नसीब नहीं है कड़कती हुई सर्दी में वो हीरोइन साला शेफोन शाडी माइनस टेन डिग्री टेम्परेचर पे पहन के शूट कर रही है बिकॉज because... साला सेक्रीफाइस ही अलग हैदाउट सेक्रीफाइस रीच नो इन लाइफ दिस इज द प्रिंसिपल नंबर क्या सेक्रीफाइस करना है मैं बताता हूं आपको आपको सबसे पहले टेलीविजन देखना बंद करना है ये सेक्रीफाइस है अब मुझे नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे स्टॉप वॉचिंग टीवी ये आपके दिमाग को पोलियोग्रस्त बना रहा है हर रोज स्टॉप वॉचिंग हॉटस्टार स्टॉप वॉचिंग साला एमेजॉन प्राइम मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं मिल रहा आपको जिंदगी में गालियों के अलावा ऐसी शानदार गालियां आपको देख के लग रहा है इसने मां की गाली बहुत देर से नहीं दी देते तो मजा आ जाए क्या कंटेंट है उसपे जिसमें प्योर देसी भाषा में मां की बहन की गालियां हो रही हैं, और हम लोग चाव से देख रहे हैं है। बुरा मत मानना आपकी मदर बहुत सारी लेडीज शाम को आठ बजे टीवी के सामने ऐसे एक सीरियल चल रहा है हर आदमी की दो बीवियां हैं उसमें नाइन्टी परसेंट उस सीरियल में हर आदमी की और माताएं बहनें देख रही आ, बड़ा मजा आ रहा है उनको पूरे सीरियल में एक ही अच्छा आदमी है जो मर चुका है जिसकी मौत हो गई है अब वो डेली सोप चल ही रहा है एक ने दूसरे को खंजर मारने के लिए खंजर उठाया पंद्रह एपिसोड उठाने में और घुसाने में निकल गए एक पे कैमरा ठीक दूसरे पे कैमरा ठीक तीसरे पे कैमरा ठीक और अपन देख रहे ऐसा देखो आ, वो आठ बजे बेटा माँ के पास कह रहे मम्मी खाना तू हट खाना बाद में पहले वो वो निकल जाएगा मेरा अनुपमा हाँ नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूं स्टॉप वॉचिंग टीवी कुछ नहीं दे रहा आपको और टीवी आपको पोलियोग्रथ बना रहा है विश्वास नहीं है तो अभी समझाता हूं अपने दोनों हाथ ऐसे आगे करिए मैं आपको डेमो देता हूं आप मेरे को ध्यान से देखिएगा और जैसा मैं बोलूं वैसा करिएगा टीवी आपके साथ क्या खेल रहा है वो दिखाता हूँ दोनों ताशा करिए पहले मुझे सुन लीजिए फिर जैसा मैं बोलूँ वैसा करिए आप हाथ आगे करिए मुझे सुन लीए फिर जैसा मैं बोलूँ वैसा करिए मैं तीन तक गिनूंगा वन टू थ्री उसके बाद उसके बाद मैं बोलूँगा गो देन देनाइल क्लैप आप सुन लीजिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ वन टू थ्री गो एंड क्लैप समझ में आ गया गो जैसे ही बोलूँगा आपको क्लैप करना है राइट right? तैयार हैं आप एवरीबडी रेडी ठीक है वन टू थ्री गो गए ना मैंने तुमको बोला था गो के बाद क्लैप करना लेकिन मैंने जैसे वन टू थ्री में क्लैप मारा तुम सबने बजाया ना ताली देखने से ये होता है देखने से ये होता है देखने का कितना बड़ा असर दिमाग सारा बोल रहा हूं मैं एक सेकंड पहले ही बोला है दो बार बोला है लेकिन तुमने कानों पे भरोसा नहीं किया आंखों पे भरोसा किया ना अब तुम सारा दिन चिपके हो सोचो क्या प्रोडक्ट बनता जा रहे हो तुम